पापा, हमने घर का सारा भंगार निकाल दिया। हाँ पापा। चलो अब मैं इन सब सामान को बाहर रख देता हूँ। अरे रुकिए। अरे ये आप क्या कर रहे हो? ये सामान अभी कहाँ पुराना है? इसमें आप अपना चश्मा रखना। अरे ये है मेरे पास। अरे है तो क्या हुआ, कहीं वो खो गया तो? लीजिए। और ये झाड़ू, ये तो मुझे घर के झाड़े साफ करने के लिए चाहिए। और ये बास्केट, इसमें मैं रिद्धि के टॉयज भर दूंगी। हाँ। और ये सुपड़ी, इसमें तो मैं चावल साफ करूंगी। हाँ। और ये बाल्टी, इसमें तो मैं पानी भरूंगी। हाँ। और ये न्यूज़पेपर, घर के कांच साफ करूंगी। हाँ। और ये कपड़े, इन्हें देखकर मैं बाल्टी खरीद लूंगी। हाँ। ये बास्केट और ये, हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर का भंगार हमारे घर में ही रह गया। अरे अभी तो पूरे 1000 रुपए इसमें कम है। अरे करिश्मा। हाँ। ये ले, आज नया साल है ना, तो आज तू ये नई साड़ी ही पहनना। अरे ये तो बहुत महंगी लग रही है, कितने की है? अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये पक्का नहीं लेगी। सिर्फ 500 रुपए की है। अच्छा, पूजा भाभी ये साड़ी लेनी है क्या? सिर्फ 1000 रुपए की है। क्या सिर्फ 1000 रुपए की? दिखने में तो बहुत महंगी लग रही है। एक मिनट रुको। हाँ ये लो। माँ। हाँ बेटा। वो मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है, तो थोड़े पैसे दो ना। पैसे? बड़ी मुश्किल से तो मैंने इतने पैसे जमा किए हैं, अब मैं उसे वो नहीं दे सकती। बेटा मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, तो एक काम करना, जब पापा आए ना तब उनसे ही मांग देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी मैं मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ, उसको न्यू ईयर विश करने। हाँ हाँ बेटा जा। भला मैं अपने पैसे ऐसे थोड़ी बर्बाद कर सकती हूँ। मम्मा आज तो न्यू ईयर है, अब तो मुझे स्नैक्स खिला दो। अच्छा रुक। मम्मा आपने ये स्नैक्स इस डब्बे में क्यों रखे हैं? अरे बेटा 6 महीने पहले एक ऑफर चल रही थी, उसमें मैंने बहुत सारा सामान लाके रख दिया। ये लो बेटा। थैंक यू मम्मा। आप आ गए? हाँ, पर अभी तक कुणाल नहीं है ना घर पे। मैंने उसे कितने कॉल किए पर उसको कॉल ही नहीं लग रहा। क्या? अरे कुणाल, तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? अरे पापा, वो रास्ते में बाइक खराब हो गई थी, इसलिए मैं चल के आया। अरे तो तू मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता तुझे लेने। अरे पापा, वो फोन में बैलेंस ही नहीं था। तो अपनी मम्मी से पैसे ले लेता, इतना लापरवाह कैसे बन गया तू? पर माँ के पास पैसे थे ही नहीं। अच्छा अच्छा कुणाल, तू अंदर जा। हाँ पापा। करिश्मा ये क्या है, मैं तुझे पैसे घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए देता हूँ, और तू तू क्या करती है? तेरी ये कंजूसी कभी तुझ पे बहुत भारी पड़ जाएगी। करिश्मा ये लो मिठाई, हैप्पी न्यू ईयर। अरे ये साड़ी तो सेम मैं करिश्मा के लिए लाया वैसी ही है।
वैसे तूने वो साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैं तेरे लिए लेके आया? वो आप जो मेरे लिए साड़ी लाए थे ना, वो मैंने सामने वाले भाभी को पूरे 1000 रुपए में बेच दी। पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। अरे करिश्मा, वो साड़ी 5000 रुपए की थी। क्या? अरे तेरे कंजूसी की वजह से मैंने तुझसे झूठ कहा। अरे अचानक से मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मम्मा, मम्मा जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। मम्मा, मम्मा। अरे रिद्धि की आवाज। अरे रिद्धि बेटा, क्या हुआ? पापा, अचानक से मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। अरे ये तो एक्सपायर हो गई। बेटा ये मैं कब लाया? ये मम्मा ने 6 महीने पहले खरीदा था। क्या? तुझे तो मैं बाद में देखता हूं। चलो बेटा पहले हॉस्पिटल चलते हैं। अरे पूजा भाभी, ये साड़ी लेनी है क्या? सिर्फ 1000 रुपए की है। वो मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है, तो थोड़े पैसे दो ना। बेटा मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। थैंक यू मम्मा। अरे ये क्या हो गया? आज मेरी कंजूसी की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई। और तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी ये कंजूसी की आदत को छोड़ दे। जब तक जिंदगी है तो जरूरतें भी रहेगी, और जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। आज तेरी इस बेवकूफी की वजह से हम सब परेशान हैं। अब भी वक्त है, सुधर जा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज मेरी बेवकूफी की वजह से हम सबको परेशान होना पड़ रहा है, पर आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मम्मा, और एक्सपायर चीजों का भी इस्तेमाल मत करना। अरे हाँ, मैं काम करती हूँ, अभी सारा सामान निकाल देती हूँ। क्या अभी और भी है? हाँ। अच्छा चल, मैं भी तेरी हेल्प कराता हूँ। चलो फाइनली न्यू ईयर के दिन मम्मा ने कंजूसी छोड़ ही दी।